हाय गाइस, वेलकम टू टेक कंटेंट। आज हम अपने लैपटॉप की विंडोज 10 को विंडोज 11 में अपग्रेड करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, मेरे लैपटॉप में जो विंडो डली है ये बिल्कुल ओरिजिनल विंडो है, विंडोज 10। तो इसकी जो लाइसेंस की है वो भी बिल्कुल ओरिजिनल है। तो हम ओरिजिनल विंडो को अपग्रेड करने वाले हैं विंडोज 11 में। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे अपग्रेड कर सकते हो विंडो 10 को विंडोज 11 में, कैसे आपने बैकअप भी तैयार करना है अपने विंडो का, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे विंडोज 10 को अपग्रेड करने के बाद कि हमारा जो लाइसेंस है वो रहता है या फिर नहीं रहता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपने कैसे बैकअप भी तैयार करना है। यहाँ पर हम लीक्ड ISO यूज करने वाले हैं, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट जो आएगी वो आएगी इस साल के एंड तक या अगले साल के स्टार्टिंग तक, ये माइक्रोसॉफ्ट खुद कहता है। तो अगर आपने भी विंडो 10 को विंडो 11 में अपग्रेड करना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके सिस्टम में विंडोज 11 चलेगी या फिर नहीं चलेगी। तो उसके लिए आपने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपने न्यू विंडोज 11 पर क्लिक कर देना है। आप आ जाओगे डायरेक्ट इस पेज के ऊपर। तो यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है, पूरा स्क्रॉल डाउन कर देना है। यहाँ पर नीचे आपको एक छोटी सी ऐप डाउनलोड करनी है, चेक फॉर कंपैटिबिलिटी। यहाँ पर डाउनलोड ऐप के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो छोटी सी ऐप है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, ये है हमारी PC हेल्थ चेक। तो इसको ओपन कर लें। ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई देगा इंट्रोड्यूसिंग विंडोज 11। तो यहाँ पर आपने चेक नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका लैपटॉप कंपेटेबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर मेरे लिए तो ग्रेट न्यूज है, मेरे लैपटॉप में विंडोज 11 चल पड़ेगी। यहाँ पर मेरे इस लैपटॉप में ओरिजिनल विंडो 10 है। तो यहाँ पर जब भी अपडेट आएगी विंडोज 11 की तो वो बिल्कुल फ्री आएगी मेरे लिए, और ऐसा उन सभी के साथ होगा जिनके पास ओरिजिनल विंडो है, उनको बिल्कुल फ्री में विंडो 11 मिलेगी। यहाँ पर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी चेक कर सकते हो कि आपकी विंडोज 11 कब आएगी। यहाँ पर इन्होंने भी यही कहा कि अगले साल 2022 के स्टार्टिंग में विंडो आ जाएगी विंडोज 11 की अपडेट। तो इस साल के एंड तक या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में विंडोज 11 की अपडेट आ जाएगी जिनके पास ओरिजिनल विंडो 10 पड़ी हुई है। यहाँ पर अब मैं आपको सबसे पहले अपनी विंडो बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे लैपटॉप में विंडोज 10 है जो कि ओरिजिनल है, लाइसेंस के साथ में है। अब हम अपग्रेड करेंगे विंडोज 10 को विंडोज 11 में। अगर आपने विंडोज 10 को विंडोज 11 में अपग्रेड करना है तो ISO फाइल का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। बाकी हम देखेंगे कि हमारा लाइसेंस रहता है या फिर नहीं रहता है। और दूसरी बात, हम ये भी देखेंगे अगर मैं वापस विंडोज 10 में जाना चाहता हूँ वो भी जा सकता हूँ या फिर नहीं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, अपने इस ओरिजिनल विंडो का बैकअप क्रिएट करेंगे। तो बैकअप बनाना काफी इजी है, आपके पास हार्ड ड्राइव होनी चाहिए या फिर पेन ड्राइव आपकी 16 GB की हो तो अच्छा रहेगा। तो अभी मैं हार्ड ड्राइव के साथ बैकअप बनाने वाला हूँ। यहाँ पर अब आपने कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। उसके बाद सिस्टम एंड सिक्योरिटी में आपको बैकअप एंड रिस्टोर विंडोज 7 ऐसे दिखाई देगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगी क्रिएट ए सिस्टम इमेज। तो यहाँ से आपने अपने ओरिजिनल विंडो की एक इमेज बनानी है। यहाँ पर जो भी आपने हार्ड ड्राइव लगा के रखे उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप चाहें तो आप DVD में भी बैकअप बना सकते हो। तो फिलहाल मैं अपने ड्राइव में बैकअप बना रहा हूँ। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्लिक करना है। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी ड्राइव आप बैकअप बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अपने विंडोज को बैकअप करना चाहता हूँ, तो ये मेरी विंडोज वाली डिफॉल्ट सिलेक्ट है। उसके बाद आपने करना है स्टार्ट बैकअप। तो अभी हमारी ओरिजिनल विंडो का बैकअप बनना तैयार हो चुका है, थोड़ा टाइम लगा इसे। तो यहाँ पर बैकअप बनाने तो आपको वेट भी करना पड़ेगा, अप्रोक्स 1 आवर लग गया बैकअप क्रिएट होने में। तो अब जाके हमारा बैकअप कंप्लीट हो चुका है। अभी बारी है विंडोज 11 को इंस्टॉल करने की। तो आपको बताता हूँ अब विंडोज 11 इंस्टॉल कैसे करनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक बार बैकअप दिखा देता हूँ। तो ये हमारी एक्सटर्नल ड्राइव में ये हमारा बन चुका है विंडोज इमेज, तो ये जो है ये हमारा बैकअप है। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा बैकअप बन चुका है। तो चलो अब विंडोज 11 को हम इंस्टॉल करते हैं। गाइस, ये जो सीन आप अभी देख रहे हो ये मैं अगले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने विंडोज 11 को थोड़ा चेक किया, उसमें बहुत कुछ यूज किया। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि अभी तक आप अपडेट ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अभी तक बीटा वर्जन में है। यहाँ पर बहुत सारे हमें बग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं Adobe प्रीमियम प्रो यूज कर रहा हूँ तो मुझे काफी दिक्कत आ रही है और भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है। और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम काफी अच्छा हो चुका है, यूजर एक्सपीरियंस चेंज हो चुका है, चलाने में काफी मजा आ रहा है। पर मैं आपको ये कहूंगा, अगर आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में है, आप जो काम करते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज में अभी तक नए फीचर ऐड किए जा रहे हैं, नोटिफिकेशन भी आ रही है बार बार कि नया फीचर ऐड किया गया है। तो अभी तक ये अंडर डेवलपमेंट स्टेज पे है, अभी बहुत कुछ ये ठीक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक स्टेबल वर्जन नहीं है। तो जब स्टेबल वर्जन आएगा इस साल के एंड तक या अगले साल के स्टार्टिंग में, उस टाइम अपडेट करना सही रहेगा। और यहाँ पर मैंने अपडेट किया, आगे देखना आपके मुझे लाइसेंस मिलता है या फिर नहीं मिलता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आपको यही कहूंगा,
अगर आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो आपको अभी अपडेट नहीं करना चाहिए, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। और बाकी आप वापस इसे विंडोज 10 में भी लेके आ सकते हो, पर मैं फिलहाल आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप विंडोज 11 में अपग्रेड ना करें, आपका टाइम वेस्ट होगा। मेन बात तो यही है, अगर आप कोई प्रोफेशनल काम करते हैं, आपके लिए काम इंपॉर्टेंट है, तब मत करना। और ऐसे आप कर सकते हो, ज्यादा कुछ दिक्कत भी नहीं आएगी, पर प्रोफेशनल लोगों के लिए मैं बिल्कुल मना करूं। अब आप अपग्रेड कर रहे हो तो अपने रिस्क पर करना। बाकी मैंने ये कंप्लीट वीडियो बनाई जिसे मैंने बैकअप बनाने बताया आपको विंडोज 10 का, और आप वापस विंडोज 10 में भी जा सकते हो। ये हमारी ISO फाइल, तो यहाँ पर आपको सेटअप मिल जाएगा। तो ये हमारा विंडोज 11 का सेटअप, इसको ओपन कर लो आप और अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दो अगर नहीं है। ये प्रिपेयर हो रहा है, यहाँ पर विंडोज 11 लिखा हुआ आ गया। तो ये हमारा आ चुका है इंस्टॉल विंडोज 11, और यहाँ पर आई वॉन्ट टू हेल्प मी के इंस्टॉलेंस बेटर। तो यहाँ पर आप चाहो तो टिक लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ और नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करो। तो यहाँ पर पहले तो चेक करेगा अपडेट के लिए, चेकिंग फॉर अपडेट। तो हम विंडोज 10 को अपडेट कर रहे हैं विंडोज 11 में, तो चेक हो चुका है। तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट 2021, यहाँ पर लाइसेंस नोटिस ये आप पूरा रीड कर लेना अगर आप करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी चेकिंग फॉर अपडेट चल रही है, तो यहाँ पर अभी टाइम लगेगा, पूरा 100 तक जाएगा ये। तो ये जितनी प्रोसेस है ये टाइम काफ़ी लेने वाली है, क्योंकि बैकअप के लिए अप्रॉक्स 1 आवर लग गया हमारा, और यहाँ पर भी विंडो इंस्टॉल होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं आपको जल्दी से सब कुछ बता दूंगा, पर जो भी आपका काम का है। तो यहाँ पर अभी अपडेट चेक 73% हमारी हो गई, 83 फास्ट हो रहा है ये। और एक बार मैं आपको अपनी इंटरनेट स्पीड भी दिखा देता हूँ, 25 MB आ रही है। तो यहाँ पर रेडी टू इंस्टॉल आ चुका है, इंस्टॉलिंग विंडो 11 होम सिंगल लैंग्वेज। अब हम क्लिक कर देते हैं इंस्टॉल बटन के ऊपर। तो अभी हमारी विंडोज 11 लग चुकी है इंस्टॉल होने, तो इसको अभी टाइम लगेगा। तो फिलहाल तो अभी स्पीड से हो रही है, टाइम लगेगा इसमें भी अभी। तो हम इसे छोड़ देते हैं, अभी 6% हो गई। तो भाई अभी एक बार 100% हुआ, अभी रीस्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद अभी देखते कितना टाइम लगता है। और वर्किंग ऑन अपडेट लिखा हुआ रहा है, 29% हमारा हो चुका है, प्लीज़ कीप योर कंप्यूटर ऑन ही रखेंगे भाई हम। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये चल रही है अभी प्रोसेस, योर कंप्यूटर मे रीस्टार्ट अ फ्यू टाइम्स, काफ़ी बार रीस्टार्ट होने वाला है। अभी 33% हुआ, फिर से एक बार रीस्टार्ट हुआ, और अब डायरेक्ट 58%। अभी ये अपडेट हो रहा है ना, काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, जैसे हम फ़ोन को अपडेट करते हैं और एक पूरी प्रॉपर वाली अपडेट आती है ना, उस तरह से पूरी प्रॉपर अपडेट हो रही है हमारी। अभी एक बार फिर से रीस्टार्ट हुआ है, और अब स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहा है मुझे। तो अभी देखता हूँ क्या विंडो 11 हो चुकी है इंस्टॉल, और मेरी जो विंडो 10 थी उसकी लाइसेंस की अब आ चुकी है विंडो 11 में या फिर नहीं। हाय हाय भाई, हाय, गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू। चलो देखते हैं, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट, डोंट टर्न ऑफ योर PC। जरूर सर, जो आप बोलोगे वो हम करेंगे, हमें विंडो 11 चाहिए, हमें विंडो 11 देखनी है। प्लीज कीप योर PC ऑन एंड प्लग्ड इन। ऑलमोस्ट देयर, हो गया भाई, विंडोज 11 आ चुकी है। या वाओ, कितनी ऑसम लग रही है, सेंटर में ये काफी कूल लग रहा है, मैकबुक की तरह काफी अच्छी फीलिंग आ रही है। मेरा टच चल रहा है या फिर नहीं चल रहा? यस, टच भी चल रहा है काफी अच्छे से। और यहाँ पर कीबोर्ड देखते हैं, कीबोर्ड कहा था कि कीबोर्ड चेंज कर दिया गया है, पर थोड़ा चेंज तो नजर आ रहा है। यहाँ पर सेटिंग में होगा इसका बहुत कुछ। यस, कीबोर्ड भी काफी ज्यादा चेंज कर दिया गया है। टच, मतलब जिनके लैपटॉप टच है ना, उनको अब मज़ा आने वाला है, नेक्स्ट लेवल। यहाँ पर ये आ गया हमारा विंडोज 11 का वॉलपेपर, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। और भी कुछ वॉलपेपर हैं इधर, ये वाला देखो, ये वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा, ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मस्त लग रहे हैं वॉलपेपर यहाँ पर। ये वाला वॉलपेपर भी काफ़ी बढ़िया है, पर मुझे पर्सनली ये वाला सबसे अच्छा लगा। चलो मैं इसको सेट कर देता हूँ, और अभी लाइसेंस देखेंगे कि विंडो में लाइसेंस है या फिर नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट था और ये मुझे देखना है। और जी हाँ गाइस, विंडो हमारी अपने लाइसेंस के साथ में चल रही है, ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। ओ माय गॉड, हमारी वाली विंडो ये एक्टिवेटेड है ऑलरेडी, काफ़ी खुश हूँ इस बात को लेकर। अभी हम ये देखते हैं, क्या हम विंडो को विंडोज 10 में अगर वापस लाना चाहें तो ला सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम सेटिंग्स में आते हैं, तो यहाँ पर आप देखो ये सब कुछ चेंज हो चुका है। जैसे सेटिंग का ये जो आइकन है ना, ये काफ़ी मस्त लग रहा है, और राउंड सी शेप आ चुकी है ना, पूरा पहले बॉक्सी जैसा था, वो उतना अच्छा लगता था, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अपडेट एंड सिक्योरिटी में चलते हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी कुछ अपडेट आया है, तो इनको भी हम अपडेट पर लगा देते हैं। तो मतलब
जो भी विंडोज 11 की आगे अपडेट्स आएंगे वो भी आ जाएगी इसमें साथ साथ में। ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे, ऑफिशियल अपडेट आई है ये सारी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। चलो अभी चेक कर लेते हैं कि वापस विंडो 10 में हम जा सकते हैं या फिर नहीं। यहाँ पर हम सर्च बार में चलते हैं और यहाँ पर करते हैं रीसेट, रीसेट दिस पीसी की ऑप्शन आ चुकी है। ओ माय गॉड, तो हम वापस भी जा सकते हैं विंडोज 10 में, आपके सामने ही ये ऑप्शन है। यहाँ पर हमने बस गो बैक के ऊपर क्लिक करना है और हम विंडोज 10 में भी जा सकते हैं। फिलहाल मुझे तो पूरा विंडोज 11 का एक्सपीरियंस लेना है, मुझे अभी से ये काफ़ी कूल लग रही है। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी अभी थोड़ा चेंज जैसा लग रहा है और भाई साहब यहाँ पर आइकन्स कलरफुल हो चुके हैं अभी, मतलब प्रॉपर फीलिंग आ रही है जैसे कोई नया लेटेस्ट कुछ चला रहे हैं। स्पीड और एनिमेशन काफ़ी फास्ट हो चुकी है, सिर्फ एक क्लिक कर रहे हैं ओपन हो रहा है, काफ़ी फास्ट हो चुका है। ये देखो काफ़ी फास्ट हो चुका है, मुझे काफ़ी सही लगी ये बात। एक बार एक काम करते हैं, अपना गूगल क्रोम ओपन करते हैं। अरे बाप रे, एक क्लिक पर ओपन हो गया, जैसे हमारे स्मार्टफोन में होता है ना, एक क्लिक किया ओपन हो गया, पहले नहीं होता था ऐसा। अभी एक क्लिक कर रहा हूँ ओपन हो रहा है, और मैंने फायरफॉक्स ओपन किया, ये एक क्लिक पर ओपन नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा टाइम लिया इसने, पर ओपन हो गया। अब देखते हैं दूसरी बार फास्ट ओपन हो गया, फर्स्ट टाइम जब ओपन किया तब थोड़ा सा टाइम लिया, अब फास्ट हो रहा है ओपन। यहाँ पर कमेंट पढ़ते हैं लेटेस्ट, यहाँ पर हैप्पी बर्थडे कमेंट किया भाई ने, थैंक यू भाई। मुझे बहुत कुछ नया नया दिख रहा है, जैसे यहाँ पर थीम्स बहुत सारी नई आ चुकी हैं, और इस साइड भी देखो आप भाई साहब कितना कूल लग रहा है, और ये देखो भाई टच के साथ में तो क्या ही मस्त फीलिंग आ रही। गाइस अभी मैंने अपनी ओरिजिनल विंडो पर रिस्क लेके विंडोज 11 पे अपग्रेड किया, तो भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। अब आपको मैं इतनी रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूँ यार, 50K करवा दो यार जल्दी प्लीज़ यार, 50K चाहता हूँ यार कि इस साल के एंड तक 50K होने चाहिए। तो ज़रूर जिसने भी ये वीडियो यहां तक देखी है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। गाइस मैंने तो अपग्रेड कर लिया विंडो 10 को विंडो 11 में, और मेरा लैपटॉप जो है ये टैब भी बन जाता है, और टच के साथ में जो फीचर्स है ना नए वाले वो काफ़ी ऑसम लग रहे हैं, और यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आएगा अभी। तो पहले विंडोज़ के साथ में टच एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता था, अभी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमारे विंडो 10 विंडो 11 में काफ़ी अच्छे से अपग्रेड हो गई, कोई मुझे इशू देखने को नहीं मिला, और जो मेरा ओरिजिनल लाइसेंस था वो भी मेरे पास है, और मैं चाहूँ तो इसे वापस मैं विंडो 10 में डाउनग्रेड भी कर सकता हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जहाँ से मैंने ISO फाइल ली थी वो एक अच्छी जगह थी, और किसी मैंने ट्रस्टेड बंदे से ली थी, तो मैं आपको भी उसका लिंक दे दूंगा जहाँ से आप भी डाउनलोड कर सकते हो। पहले मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद अनाउंस नहीं किया था विंडोज 11 को, तो अभी विंडोज 11 ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है और मैंने वीडियो बना के आपको बताया भी था। सो गाइस ये थे हमारे आज की वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हूँ हिमाचल से, थोड़ा एक्सेंट मेरा हिमाचली आता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सो मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी और वीडियो में, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।